हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेडिशनल कश्मीरी चाय यानी पिंक टी। इस ज़बरदस्त ठंड में कश्मीरी चाय या पिंक टी का मज़ा ही अलग है। आइए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 4 कप पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया। अब इसमें 4 टीस्पून ग्रीन टी, 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान के फूल, 7-8 लौंग, 10-12 हरी इलायची। अब मैं सबको एक साथ शामिल करती हूँ। सारे मसाले डालने के बाद इस चाय को बराबर चलाना है या फेंकना है या उछालना है, जो भी आप समझें, बराबर बराबर इसको चलाते रहेंगे। इससे ये होता है कि चाय का कलर अच्छा आता है। जितना ज़्यादा आप चलाएंगे उतना अच्छा आपका कलर आएगा। ये काम कम से कम 10 मिनट तक करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। इसी तरह से इसको बराबर चलाते रहेंगे और कलर डार्क होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा चाय का कलर आ गया है। अब इसमें 1 कप चिल्ड वाटर शामिल करेंगे। अब इसके बाद फिर से इसको उछालेंगे। आप देख सकते हैं साइड में पिंक कलर आने लगा है। अब आप देख सकते हैं कहवा का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब मैं इसको छानूंगी। अब दूध को बॉयल करने को रख देंगे। दूध भी 6 टीस्पून शुगर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शक्कर ज़्यादा होती है। अब इस टाइम इसमें कहवा शामिल करेंगे। इसको आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, जितनी आपको पिंक पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा इसमें और कलर डार्क कर सकते हैं। इसको थोड़ा और उछालेंगे। बहुत अच्छा कलर आया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होगा। अब ये चाय तैयार। चाय का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसको टीपॉट में पोर करने जा रहे हैं। जाड़े की गर्मा गर्म कश्मीरी चाय या पिंक टी तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गुड लुकिंग है, यमी है। आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब का तोहफा दें। थैंक यू।